लेकिन पप्पू एनकाउंटर की नजर तो उसकी छोटी और टाइट हूथ पर थी जिसे वो दबाकर बजाना चाहता था रसीली रसीली मुन्नी मुन्नी उसे कहती है कि के ऊपर भी देख ले दरअसल रिसेंटली अमेरिका से यहाँ पर शिफ्ट हुई थी इसलिए पप्पू एनकाउंटर पूछता है है क्या मैं तुम्हें अपना दिखा सकता हूं? शहर रसीली मुन्नी शर्माने लगती है और उससे उसका नंबर मांगती है पप्पू एनकाउंटर कहता है लेकिन मेरे पास तो फोन ही नहीं है तभी वहाँ पर टट्टू लाला जाता है और उसे कहता है की मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ तुम अपनी चूचियों की फोटोज यहाँ पर भेज देना लेकिन अब रसीली मुन्नी को पप्पू एनकाउंटर एक नंबर का लगने लगा था इसलिए वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है अब पप्पू एनकाउंटर को ये बात दिल पर छुप जाती है इसलिए वो घर जाकर अपनी माँ से कहता है की मेरा बर्थडे आने वाला है इसलिए मुझे बीस हजार रूपए चाहिए तभी उसकी माँ उसे बीस रूपए देती है और कहती है की तेरी औकात के हिसाब से इतने काफी है इसके बाद पप्पू एनकाउंटर भागते हुए एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो एक चौकीदार का काम करता था लेकिन वो काम पर लेट पहुंचा था तो उसका बॉस उसे कहता है की बॉस के टाइम पर काम पर आया कर नहीं तो मैं तेरी गांड में डंडा डाल दूंगा फिर काम करके घर जाते वक्त जब पप्पू एनकाउंटर अपने बॉस से सैलरी मांगता है तो उसका बॉस उसे 100 यूरो निकालकर दे देता है पप्पू एनकाउंटर इतने पैसे पाकर बहुत खुश था लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो नोट तो नकली है इसके बाद पप्पू एनकाउंटर एक दुकान पर फोन खरीदने जाता है लेकिन उसके पास सिर्फ तीस ही यूरो पप्पू एनकाउंटर को उसमें से कुछ पसंद नहीं आता आखिर में वो दुकानदार पीछे से एक डिब्बा निकाल कर लाता है जिसमे एक अजीब सा लाल फोन पड़ा हुआ था जिसके दो सिंग निकले हुए थे अब उस फोन को देखते हुए पप्पू एनकाउंटर दुकानदार को सारे पैसे दे देता है और उससे वो फोन ले लेता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो फोन तो चलता ही नहीं फिर पप्पू एनकाउंटर जब अपने पैसे वापस मांगता है तो दुकानदार उसे कहता है, चल के। अब पप्पू एनकाउंटर काफी निराश था कि तभी अचानक वो फोन चालू हो जाता है और पप्पू एनकाउंटर की एक फोटो क्लिक कर लेता है अभी देखकर वो दुकानदार उससे वो फोन वापस लेने लगता है लेकिन तभी पप्पू एनकाउंटर वहाँ से भाग जाता है वो वहां से सीधा स्कूल जाता है और रसीली मुन्नी को अपना नया फोन दिखाता है लेकिन तभी उसकी फ्रेंड फटी फुद्दी उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि ये फोन तो एकदम घटिया है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फोन अपने आप ही उस लड़की की फोटो क्लिक कर लेता है जिसके बाद पप्पू एनकाउंटर रसीली मुन्नी को अपना नंबर देता है और उसे फोन करने को कहता है फिर क्लास के दौरान अचानक पप्पू एनकाउंटर का फोन एक लड़की को खुद से ही फोन लगा देता है जिसके बाद वो उसे पता नहीं ऐसा क्या बोलता है की वो लड़की तुरंत फटीफुद्दी के बालों में आग लगा देती है फिर वो लड़की जिसने आग लगाई थी उसे प्रिंसिपल ऑफिस में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो बताती है की क्लास के दौरान मुझे एक कॉल आया जिसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि वो चूतिया प्रिंसिपल तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और अपनी मछली से बातें कर रहा था वहीं घर पर हम पप्पू एनकाउंटर को देखते हैं जो कि रसीली मुन्नी से अपनी दिल की बात कहने की प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन तभी अचानक वो फोन रसीली मुन्नी को कॉल लगा देता है फिर जब रसीली मुन्नी उसे पूछती है कि तुम बोल क्या रहे थे तो पप्पू एनकाउंटर घबरा कर कह देता है कि मैं तो सिर्फ ऐसे ही बड़बड़ा रहा था इसके बाद जब वो अपने फोन की कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो वो पाता है कि उसमें उस लड़की का भी नंबर था जिसने क्लास में आग लगाई थी फिर अगले दिन पप्पू एनकाउंटर टट्टूलाल से कहता है कि कल उसके फोन ने खुद ही रसीली मुन्नी और उस लड़की को फोन लगा दिया लेकिन इस पर टट्टूलाल कहता है कि बोले के चूती आए क्या जरूर तूने ही उन्हें फोन लगाया होगा तभी अचानक मैथ टीचर पप्पू एनकाउंटर के सर पर चौक मारता है और उससे एक सवाल पूछता है पप्पू एनकाउंटर को उसका जवाब नहीं पता था लेकिन तभी उसके फोन में अपने आप ही उसका जवाब आ जाता है पर यह चीज वो टीचर भी देख लेता है और उसका फोन उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है फिर क्लास खत्म होने के बाद जब वो भाग अपना फोन लेने जाता है तो वो देखता है की उसका फोन तो एकदम ठीक ठाक था फिर उसी शाम हम देखते हैं कि उस मैथ्स टीचर को एक फोन आता है जिसको सुनते ही वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है फिर अगली सुबह जब पप्पू एनकाउंटर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका फोन उसे बर्थडे विश कर रहा होता है फिर क्लास जाते हुए पप्पू टट्टूलाल से कहता है कि मेरे फोन ने मुझे बर्थडे विश किया जबकि मैंने तो उसमें अपनी बर्थडे डाली तक नहीं थी अब टट्टूलाल को ये बहुत ही अजीब लगने लगता है इसलिए वो पप्पू एनकाउंटर को ये फोन फेंक देने को कहता है लेकिन पप्पू एनकाउंटर उसे कहता है की तू चूतिया हो गया क्या इस फोन ने तो मेरी बहुत हेल्प की है टट्टूलाल कहता है कि चलो तो फिर इस फोन से हमारी आज के स्कूल की छुट्टी करा दो अब उसके ये कहते ही उन्हें प्रिंसिपल के असिस्टेंट का फोन आता है जो उन्हें आज आज की छुट्टी दे देती है और में उनके लिए आज एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर देती है अब इस फोन की शक्तियां देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं जिसके बाद पप्पू एनकाउंटर उस फोन का नाम हेल फोन रख देता है वहीं स्कूल में हम उस मैथ टीचर को देखते हैं जो कि लगातार चौकी उल्टियां करता जा रहा था उधर टट्टूलाल पप्पू एनकाउंटर से उसका फोन उधार मांगता है ताकि वो उसकी मदद से अपने माँ बाप को फिर से साथ ला सके लेकिन पप्पू एनकाउंटर उसे कहता है कि क्योंकि इस फोन ने मुझे चुना है इसलिए यह सिर्फ मेरी बात मानेगा लेकिन फिर भी वो टट्टूलाल को वो फोन दे देता है पर टट्टूलाल के छूते ही वो फोन बंद हो जाता है अब गुस्से में आकर टट्टूलाल उस फोन को पानी में फेंक देता है लेकिन जब पप्पू एनकाउंटर उसे बाहर निकालता है तो वो फिर से चलने लगता है फिर अगले दिन पप्पू एनकाउंटर रसीली मुन्नी से मिलता है और उसे पूछता है कि क्या आज मैं तुम्हें घोड़ी बना सकता हूँ लेकिन रसीली मुन्नी उसे मना कर देती है और कहती है कि आज तू मुझे रात भर पढ़ाई करनी है फिर अगले दिन पप्पू एनकाउंटर को एक आइडिया आता है और वो अपने फोन की मदद से रसीली मुन्नी को पेपर में नकल कराने के बारे में सोचने लगता है जिसके बाद वो हिस्ट्री टीचर को कॉल लगाता है और उसे पेपर में आने वाले सारे सवाल पूछ लेता है इसके बाद वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी कुछ बदमाश बच्चे आकर उन दोनों को दबोच लेते हैं और कोने में ले जाकर उनकी मारने की कोशिश करने लगते हैं अब वो उनको बजाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उन सभी को कहती है कि इन चूतियों को छोड़ दो ये आज हमें एग्जाम में चीटिंग कराने वाले हैं इसके बाद एग्जाम शुरू होता है और प्लान के मुताबिक पप्पू एनकाउंटर उन सभी को सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता है अब क्योंकि पप्पू एनकाउंटर की वजह से रसीली मुन्नी का पेपर बहुत ही अच्छा गया था इसलिए वो पप्पू एनकाउंटर को साथ में लंच करने को कहती है लेकिन वहीं रसीली मुन्नी का आशिक चुन्नू चूतिया इस बात का बुरा मान जाता है और पप्पू एनकाउंटर से पूछता है कि तू वही है ना जिसकी माँ सालों पहले कोठे पर नंगा नाच किया करती थी अब ये बस सुनकर पप्पू एनकाउंटर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फोन से कहता है कि इस भूस वाले चुन्नू चुतिया की गाड़ मार डालो तभी हम देखते हैं कि चुन्नू के पास एक कॉल आता है जिसके बाद वो पागलों की तरह टेबल पर चढ़कर नाचने लगता है लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं बरता तो वो सभी के सामने अपने सारे कपड़े उतार देता है और सभी को अपनी छोटी सी लुली दिखाने लगता है वहीं उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वो अपने एक दोस्त को पकड़कर चूसने लग जाता है उधर ये सब देखकर रसीली मुन्नी बाहर चली जाती है और पप्पू एनकाउंटर भी उसके पीछे आ जाता है फिर पप्पू एनकाउंटर उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है जिस पर रसीली मुन्नी भी मान जाती है फिर एक दिन पप्पू एनकाउंटर की माँ को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि उन्होंने भोसड़ाबाद की एक ट्रिप जीती है लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये ट्रिप पप्पू एनकाउंटर ने ही अपनी माँ के लिए बुक की थी इसके बाद पप्पू एनकाउंटर रसीली मुन्नी के आलिशान बंगले पर पहुंचता है जहाँ पर रसीली मुन्नी सच धज कर अपनी मरवाने के लिए तैयार बैठी थी जिसके बाद वो उसे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा अपने साथ घुमाने ले जाता है वहीं हम चुन्नू चूतिया और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि कोई तो सभी को फ़ोन लगाकर उनसे अजीब अजीब हरकतें करवा रहा है तभी पप्पू और रसीली मुन्नी जब वहां से निकलते हैं तो चुन्नू को पता चलता है कि ये गाड़ी तो उसके बाप की है इसके बाद थिएटर में मूवी देखते वक्त पप्पू एनकाउंटर रसीली मुन्नी को हेल के बारे में सच बताने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो देखता है कि वो तो अपना फोन गाड़ी में भूल आया है इसके बाद जब वो फोन लेने के लिए बाहर जाता है तभी वहाँ पर चुन्नू चूतिया और उसके दोस्त आ जाते हैं और पप्पू एनकाउंटर को कुत्ते की तरह मारकर और वो गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं फिर जब वो वापस अंदर जाता है तो रसीली मुन्नी उसे पूछती है कि क्या हुआ इस पर पप्पू एनकाउंटर उसे सब कुछ सच बता देता है कहता है कि उसने वो गाड़ी चुन्नू चुतिया के बाप से उधार ली थी क्योंकि वो एकदम फटीचर और बिखमंगा है लेकिन रसीली मुन्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो पप्पू एनकाउंटर को पसंद करने लगी थी उधर चुन्नू चूतिया और उसके दोस्त गाड़ी में घूम रहे थे कि तभी पप्पू का फोन बजने लगा वहीं एक लड़के ने फोन उठाया और वो उसी वक्त चलती गाड़ी से कूद गया वो बस तो जाता है लेकिन तभी एक ट्रक आकर उसे कुचल देता है वहीं फिल्म खत्म होते ही रसीली मुन्नी और पप्पू एनकाउंटर को, को, तो को ही कॉल लगा देता है फिर जब पुलिस वाला अपना फोन उठाता है तो वो मुस्कुराते हुए पप्पू एनकाउंटर को उसका फोन वापस कर देता है फिर जाते वक्त पप्पू एनकाउंटर को पता चलता है कि उसका चूतिया बॉस जो उसे हमेशा परेशान करता था उसने अपने आप को खोलते हुए तेल में तल डाला अब देखकर पप्पू एनकाउंटर परेशान हो जाता है और उस फोन से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया तभी वो फोन उसे जवाब देता है कि अब वो पप्पू एनकाउंटर से प्यार करने लगा है अभी सुनकर वो भागते हुए टट्टू लाल के घर जाता है लेकिन घर पर टट्टू लाल की छिनाल माँ उसके साथ मजदूरी करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है लेकिन तभी टट्टूलाल उन्हें देख लेता है और पप्पू लाल के मुंह पर एक चमाट लगाकर उसे वहां से भगा देता है बाहर आते ही पप्पू एनकाउंटर खुद ही उस फोन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उस फोन को कुछ नहीं होता जिसके बाद वो परेशान होकर उस फोन को एक गड्ढे में फेंक देता है उधर बचे हुए बाकी लोग रसीली मुन्नी के घर जाते हैं और उसे बताने लगते हैं कि उस फोन की वजह से काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं जिस पर रसीली मुन्नी कहती है कि ये सब पप्पू एनकाउंटर नहीं बल्कि वो फ़ोन खुद कर रहा है वहीं कुछ लोग पप्पू एनकाउंटर के घर पहुंचते हैं जो कि उसका फोन उस गड्ढे से बाहर निकालकर उसे देने आए थे फिर कुछ देर बाद टट्टूलाल भी वहां पर आ जाता है और ये दोनों साथ मिलकर इस फोन से पीछा छुड़ाने का प्लान बनाते हैं लेकिन तभी वो फोन पप्पू एनकाउंटर को ही फोन कर देता है और उसे कहता है कि उसका अगला शिकार रसीली मुन्नी है अभी सुनकर वो भागते हुए रसीली मुन्नी के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि रसीली मुन्नी अपने माँ से ही लड़ रही होती है वहीं वो दोनों मिलकर उसकी माँ को बेहोश कर देते हैं जिसके बाद रसीली मुन्नी उन्हें बताती है कि बाकी के सभी लोग मारे जा चुके हैं अब वो लोग मशीन से उस फोन को तोड़ने का फैसला करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर चुन्नु चूती आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है तभी पप्पू एनकाउंटर उसे रोकने लगता है और बाकी के दोनों उस मशीन का पासवर्ड सोचने लगते हैं तभी चुन्नु चूतिया एक आरी लेकर पप्पू एनकाउंटर को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो टक्कर खाकर खुद ही मारा जाता है उधर वो लोग उस मशीन का पासवर्ड पता कर लेते हैं और उस फोन को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो फोन खुद से ही ठीक होने लगता है तो पप्पू एनकाउंटर उसे उठा लेता है और भागकर अपने स्कूल आ जाता है लेकिन तभी वो फोन एक साथ सभी बच्चों को फोन लगा देता है पर रसीली मुन्नी चिल्लाते हुए कहती है 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 कि कोई भी भूखड़ी वाला अपना अपना फोन फोन नहीं उठाएगा लेकिन तभी प्रिंसिपल आकर टीचर के कान पर लगा देता जिससे वो वहीं मर जाती है। अभी देखकर सभी बच्चों की फट जाती है और वो वहां से भागने लगते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ हजारों बच्चे पप्पू एनकाउंटर और रसीली मुन्नी को मारने के लिए वहां पर आ रहे होते हैं तभी पप्पू एनकाउंटर को एक आइडिया आता है और वो अपने फोन को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देता है ताकि वो जम जाए लेकिन तभी वो चूतिया प्रिंसिपल उसे फिर से बाहर निकाल लेता है उधर टट्टूलाल जैसे तैसे करके उस फोन को लेने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी एक बच्चा आकर उसके कान पर वो फोन लगा देता है ताकि वो वो भी भी हिप्नोटाइज हो जाए लेकिन लाल फिर भी उस फोन फोन को टैंक में डाल देता है है जिससे वो फोन जम जाता उधर पप्पू एनकाउंटर और रसीली मुन्नी जब टट्टूलाल के पास आते हैं तो टट्टूलाल उन्हें बताता है की उसने पहले ही अपने कान बंद कर लिए थे अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है जिसके बाद वो लोग अपने बुक किए जहाज पर चढ़कर समुन्द्र के बीचों बीच जाते हैं और वहां पर उस टैंक को पानी में फेंक देते हैं और इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है